अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं शादी पॉडकास्ट। मेरा नाम है शरी अब्बास और मैं हूं मोइस, और हम हाजिर हैं एक और पॉडकास्ट के साथ आपके लिए लेके आए हम। अच्छा, तो आज की पॉडकास्ट जो है उसका हमारा टॉपिक एक बहुत ही यूनिक नहीं है एक्सपीरियंसेस बिल्कुल नहीं है, हमारे के साथ होते हैं मसलन स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो हमारे साथ वाकयात हुए हैं बहुत डरावने, नाजेबा, खौफनाक और मजेदार वाकया। हम दोनों के इंडिविजुअली अलग अलग और हमारे इसके तो बहुत ज्यादा है, यूनिवर्सिटी में तो बहुत ज्यादा है इसके बाद यूनिवर्सिटी में ज्यादा है। स्कूल कॉलेज मुझे नफरत है, मेरी स्कूल कॉलेज की लाइफ घटिया तरीन थी, उसके बहुत सारी वजूहत हैं। तो ऐसे स्टार्ट करते हैं ना, पहले आप बताओ स्कूल कॉलेज की लाइफ क्यों घटिया थी, क्या हुआ? हाँ, इतने की ऐसे शुरू करते हैं। मुझे नफरत है सुबह जल्दी उठने से स्कूल के लिए। अच्छा, क्योंकि एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें आप जल्दी सो जाएगा ना? नहीं, मैं बहुत जल्दी सोता था। ऐसे ही हरकतें नहीं, 8 बजे ना सुबह तुम उठा ना 8-9 बजे। यार मैं स्कूल की बात, अच्छा अच्छा स्कूल मैं स्कूल की लाइफ में बेबी थे, बिल्कुल अभी भी हूँ। चलो ठीक है, तो वो उठता था जल्दी सुबह, मसला नहीं था। मसला ये है वैन की ख्वारी, मनहूस शक्लें हो रही हैं सुबह उठ के, घुस गए वैन में, चले वैन में भी सोना ही होता, सब होते हैं, अक्सर सो भी जाते थे। स्कूल पहुंच के सबसे ज्यादा मसला ये होता था कि कॉपी नहीं बनाई इसकी टेंशन है, टीचर से मार पिटेगी इसकी टेंशन है। आपने इस कदर बच्चे को जो है वो बांध के रखा होता है कि फिर वो जब वो बंक मारते हैं तो आपको मसला है, जब वो शोर करने पे मसला है। मतलब दुनिया जहान के स्कूल्स में मुझे नहीं पता कि शोर करने पे किसको मसला हो सकता है। अगर बच्चे आपस में बात कर रहे हैं और शोर एक होता है ना कि ऊंची आवाज में चीख रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, उस पर मार पिटती है, दो बंदे बात कर रहे हैं, ऐसा से बात करो ना, तुम्हें तो मेरे नहीं है स्कूल में बैठे। आहिस्ता पे भी मार पिटती थी, मुंह हिलाने पे मार पिटती थी। भाई भाई आप कहाँ पढ़े? बैरिया कॉलेज। मैं तो मॉडल कॉलेज में पढ़ा हूँ इस्लामाबाद के। नहीं, हमारे पे भी होता था, ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था, उससे थोड़ा ऊपर था और प्राइवेट स्कूल थोड़ा नीचे था, मेड में था। हाँ, तो जो बीती चीज होती है उसको वैसे ही पिस्ता हो जाता है, बहुत पिस्ता। अच्छा, तो खैर जैसे स्कूल के बहुत सारे वाकयात ऐसे हैं जो बहुत मजे के हैं, जैसा कि ग्राउंड की घास इतनी इतनी बड़ी हुई हुई और उसमें 50 बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, बड़ा मजा आता हो। फुटबॉल गई घास में, किसी एक ने हाथ से उठाई, दूसरे ने उसको हाथ मार दिया, रग्बी शुरू हो गई, छीन रहे, मार रहे हैं दूसरे को। खैर ये तो छोटी छोटी बातें, वैसे टीचर से मार खाने पे और डांट खाने पे बहुत सारे वाकई आते हैं। आप बताएं आपका स्कूल लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरी स्कूल, मैं लाहौर में था पहले, तो 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक मैं लाहौर में था, क्रिश्चियन मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल, उसके दोस्त मेरे आज तक हैं। और क्रिश्चियन की मुझे सिर्फ एक बात ये अच्छी लगती थी, उन्होंने फ्रॉम द स्टार्ट इन स्पोर्ट्स में आपको बहुत आगे करते थे, ठीक है? आपको यकीन मानोगे, उन्होंने 3rd क्लास में स्विमिंग स्टार्ट करा दी थी, 3rd क्लास में। अब उसमें गति, हाँ मुझे वही सही आती है, मैंने 2 साल स्विमिंग की है, 3rd, 4th, 5th, 3rd में सिलाई, 4th और 5th में स्विमिंग की, बस उस वक्त दौर में जो मैंने स्विमिंग सीखी बस वो मुझे वहीं तक आती है, ठीक है? मतलब उस वक्त से लेकर अभी तक मुझे आती है स्विमिंग, ठीक है? नहीं, एक बार आ जाए तो मेरा नहीं ख्याल भूलता है। उसके बाद ये कि 6th में मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे हम लोग, ठीक है? तो 6th में मेरा एडमिशन हुआ बैरिया कॉलेज इस्लामाबाद में, ठीक है? और वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई है ना, ओए हो, मैं कहता हूँ हमने क्या क्या नहीं किया। हम लोग की क्लास थी 3rd फ्लोर पे, प्रिंसिपल का ऑफिस था, वीपी का ऑफिस था ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है? हम लोग ने इतनी यान मचाया ना, ठीक है? हमें उस वक्त 6th, 7th, 8th में, 8th में जाके हमें नीचे ले आए थे, क्या नहीं यार ये क्लास हमारी आंखों के सामने रह गई, हाँ ये वीपी की क्लास के सामने वाली क्लास होनी चाहिए। हमने 8th वहाँ पे गुजारी, 9th वहाँ पे गुजारी, 10th वहाँ पे गुजारी, ठीक है? फिर 1st ईयर 2nd ईयर जो थी ना उसमें हमारा, फिर हम रेगुलर हो गए, हमने 1st ईयर 2nd ईयर की क्लासेस में शिफ्ट हो गए, वो भी ग्राउंड फ्लोर में, ठीक है? यार हमारी क्लास मशहूर थी, टीचर वहाँ पे आने से पहले सोचते थे ये मैं क्लास में जाऊँगा। अच्छा, मैंने देखा है वैसे अपने दौर की जो क्लास होती है ना इस तरह की, उसमें हम जरूर होते हैं, मतलब हमसे मुराद है हर बंदा ये सुनाएगा आपको कि हमारी क्लास ही थी जिसके जो स्टाफ रूम में मशहूर थी कि भाई 9th C, 9th B, 9th A, कोई भी हो। मैं गारंटी देके कहता हूँ,
जाके मेरे किसी कॉलेज, मेरी यूनिवर्सिटी कॉलेज के जो दोस्त है ना उनसे पूछ लें, ठीक है, 9th 10th 1st ईयर 2nd ईयर, मैं कहता हूँ ये तो अन्नी फेरी हुई थी 9A किसी भी, मैं कहता हूँ दूसरी क्लास से ले बोल भी नहीं सकते ये उनकी क्लास के मशहूर थे वो, नहीं 9A 10th A 1st ईयर A 2nd ईयर A, ए सेक्शन रहा हमारा हमेशा, ठीक है। और क्लास में टीचर आके रोते थे हमारे, हमने रुलाया हुआ टीचरों को अपने सामने। अच्छा ये हमने कॉम्सेट में, ये हमने यूनिवर्सिटी लाइफ में, यूनिवर्सिटी में तो तुम छोड़ो, यूनिवर्सिटी में तो नेक्स्ट लेवल किया हमने, वो तो सो जत मारी, ठीक है यार। हम बैक बेंचर होते थे, चार पांच दोस्त हैं उनको नाम देता हूँ, मैं होता था, हम हसन खालिद है फजलू कहते हैं उनको, वो उसके पीछे भी एक स्टोरी है, ठीक है। साथ जैदी होता था, कक्का होता था, ठीक है, हसन आबदी होता था, ठीक है, बाकी थीटे थीटे आगे रहते थे। मेरा वासिफ मेरा बड़ा बचपन का दोस्त है मेरा, अभी तक ना बेस्ट फ्रेंड है वो, खैर थीटा था, अपने आप को समझता था ये था कि वो हमारे साथ होता था, मगर वो थीटा था, वो आगे ही रहता था, ठीक। जो पीछे हमने यार मचाया होता था, मुझे याद है हमारी एक मैम होती थी, मैम लाला रुखना मैम, ठीक यार, वो इंग्लिश पढ़ाती थी हमें, और मुझे क्यों मिलता था यूँ नहीं होता यार स्टार्ट, ठीक है, मैं पीछे उठा था बैक बेंचर्स, ठीक है, और मेरी एक आम सी आवाज़ होती थी उसमें मैं शुरू होता था, ला 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 ला, और पीछे से मिडल से बैठ के जब वो आवाज़ आप निकालते हो ना तो वो घुसती है, ठीक है, और टीचर परेशान होती थी आवाज़ आ कहाँ से थी, ठीक है, और यकीन मानो टीचर आती थी सारे पीछे बैक बेंचर सारे बाहर। यार एक हमारे से बहुत अच्छा सीन हुआ था 10th में, नहीं 1st ईयर में, तो ये मैडम पता नहीं लग भी कि कौन ला 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 कर रहा है, मैं बताता हूँ एंड पता लग, मैंने खुद बता दिया तुमको जाके, हम लोग थे 1st ईयर में ना, हमारी क्लास थी और यही मैम पढ़ा रही थी, मैम लाला रुखी पढ़ा रही थी, और हम पीछे यही यार मचा रखा था हमने, सारे पीछे बैक बेंचर फुल चोर ये वो ना। अब मैम ने ना, हमारी एक डिसिप्लिन कमेटी होती थी, डिसिप्लिन कमेटी में सारे बड़े बड़े टीचर होते थे, अब मैम ने ना डिसिप्लिन कमेटी के एक टीचर को बुला लिया, ठीक है, वो थे हमारे उर्दू के टीचर ना, और वो उनसे सबकी पढ़ती थी, सर जहीर नाम था मेरे ख्याल में, उनकी सबकी पढ़ती थी। अब भाई उन्होंने अब सब बैक बेंचर्स पीछे दो रोज थे ना, सबको बाहर निकाल दिया, अब मैं भी उसमें था, सारे बाहर निकल के, अच्छा हुज़ैफ़ा भी हमारा एक लड़का था, असद भी एक लड़का था, इरफान होता था हमारे साथ, ठीक है, और मैं उनको ना अपने से ज़्यादा ऊपर, असद को तो स्पेशली, असदुल्ला और हुज़ैफ़ा, जुरेज हमारे साथ होता था, वो हमारे प्रिंसिपल का बेटा था, ठीक है, वो अपने साथ होता हमारे साथ पढ़ता था, 8th में आ गया था हमारे साथ, वैसे वो मैरी में ही था, कराची इधर जो शिफ्ट होते हैं नेवल वालों का ये होता है, जब वो की शिफ्टिंग होती है तो वो भी शिफ्ट हो जाता, तो 8th में ना हमारे साथ आ गया था। अब भाई उसको हमने अपने रंग में डाल दिया था, ठीक है, और वो उसकी बैग पे पीछे हम गैंड में जाते थे, हमने पता था रेज है कुछ नहीं होता। अच्छा उस लड़के की वजह से बहुत सारी कॉम्सेट की हिस्ट्री, वो कॉम्सेट कह रहे हो बैरिया कॉलेज की हिस्ट्री में बहुत सारी चेंजेस आई हैं, वो अलग टॉपिक है, ठीक है। अब हमें बाहर निकाल दिया, हमें क्लास के एक लड़के से ना बहुत ताप चढ़ती थी, मैं नाम ले लूंगा उसका, ठीक है, हमें बहुत उसको पता है ये बात, हाँ उसको पता है ये बात, हमें बहुत ताप चढ़ती थी, कहते थे यार इसका कुछ करना है, होता थीटों में से कुछ था ना। असल में तब क्यों डरती थी, वो हमारे क्लास टीचर, हमारे एक टीचर होता था जो क्लास को लीड करता ना, उनका नाम था सर अनवार, वो उनका खबरी था। अच्छा हम जो क्लास में गैन में जाते ना बच्चे, उनकी खबरें देता था सर को और पेरेंट टीचर मीटिंग में वो सर हमारे अमीर को बताता था। अच्छा ठीक है कि आपके बच्चे ने ये किया ये किया, हमने उससे लेना था बदला। आपको पता था कि वो करता, हमें पता था वो करता, हाँ नहीं सोचती थी, उसको पता था कि आपको पता है कि वो नहीं करता। अच्छा, उसको नहीं पता था, हमें पता था कि वो करता है। अच्छा ठीक है भाई, हम लोग बाहर गए सर जहीर के सामने, सॉरी लाइन में लगी हुई दो रोज बैक बेंचर्स पीछे, फर्स्ट ईयर एक है, हम सर किस तरह बोलते थे, मैं सर की थोड़ी निकल रहा हूँ, क्या कहते थे बताओ कौन है तुमने से। अब मैं इसमें ये कहता हूँ कि हम लोग ना हल्की सी आग लगाते थे, तेली फेंकते थे। अब मैं था, साथ जदी था, पीछे के जितने लड़के थे ना, हमने सर को बोला, हमने कहा सर एक लड़का है जो कि ना पूरा प्लान बना के आता है कि किस टीचर को किस तरह तंग करना है, जैसे ही क्लास स्टार्ट होती ना वो शुरुआत कर देता है, और उसके बाद हमें पीछे मुड़ के कहता है चलो शुरू हो जाओ शुरू हो जाओ।
हम जब शुरू हो जाते हैं तो वो चुप हो जाता है, वो बच जाता है, हम पकड़े जाते हैं। अब सर कहते हैं मुझे पता लग गया वो कौन है, कुछ लोग होते हैं ऐसे, अब बताओ मुझे कैसे पता लगा। मैंने कहा सर बताएं कैसे, मैं भी ऐसे ही करता था। कहता है मैं भी ऐसे ही करता था, मुझे पता है वो लड़की कौन, लड़का कौन है। मैंने कहा सर आपको पता है? कहते हाँ। अब हमने सिर्फ इतनी बात की, आगे मुझे नाम याद है असद और हुज़ैफ़ा, असदुल्लाह अभी आर्मी में होता है, हुज़ैफ़ा अभी जर्मनी में होता है। वाह जी वाह। अब उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की जो हमने कहा भाई मेहरबानी कर रहे थे सर, वो सुबह हमें असेंबली में नहीं जाने देता, आके बताता है कि तो असेंबली में कोई नहीं जाएगा आज, आज हम ये करेंगे जो टीचर से आता पड़ेगा। सर वो असेंबली से पहले हमें समझाता था, कर चुकता है, हमें समझाता था कि इस टीचर की क्लास इस बजे ये करना है, ऐसे तंग करना है, ऐसे तंग करना है, ऐसे तंग करना है। सर वो हमें बंक पे लेके जाता था, कहता था स्कूल नहीं आना। वो कहानियां सुनाई, हम पीछे हंस पुटे, हमने कहा मेहरबानी करो बस करो। सर कहते बस अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। हमने कहा सर बताएं तो सही उसका नाम क्या, आपको पता भी है? बता दिया उसने नाम, उसे बता दिया नाम सर ने। हमने कहा सर फिर सीन हो गया। कहते अब तुम देखो। अब वो क्लास के अंदर गया, ये जो मैं आप कहानी बता रहा हूँ ये मेरा दोस्त है वासिफ और उस्मान खालिद, माना उसको कहते हैं, उनके आंखों देखा ये सीन है, वो बता रहे हैं। माना इस तरफ बैठा हुआ, काजी वासिफ इस तरफ बैठा हुआ और बीच में वो लड़का बैठा। अब सर गए, सर ने क्लास का एक राउंड लिया, खड़े हुए, तुम्हारा नाम क्या है? सर वासिफ। तुम्हारा नाम क्या सर? तुम्हारा नाम क्या सर? उस्मान खालिद। अच्छा फिर दूसरा राउंड लिया, सामने आके खड़े हुए और इस वहशत नाक वो वक्त था ना, मेरा दोस्त की फट गई थी वासिफ की, उसने कान से पकड़ा उसको, ऐसे उठा के बेंचेस पड़े हुए डेस्क पड़ा ऐसे उठाया जाऊं उठा के बाहर रखा मैं सामने, तुड़ूल नीचे करके मुक्के कौन मुक्के भाई। हम बाहर खड़े, फिल्मों में नहीं आवाज आती है अंदर, टाटू की चो चो यार, अंदर से चीखने की आवाजें आ रही यार, हम देखा सही क्या हो रहा है अंदर। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला, छोटा बड़ा उसके बाहर आया लड़ता हुआ आगे, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। लड़का कहता है नहीं नहीं सर कहता है देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। हमें कहे चलो जाओ अंदर, तुम लोग सेफ हो जाओ अंदर। हम अंदर जा रहे थे, बाहर वो खड़ा रो रहा यार, आंसुओं से लड़का रो रहा। हम अंदर जा रहे हैं, मुझे हमें देख के कहता है मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था यार, आज तक मुझे याद है। गिल्ट है, गिल्ट है थोड़ा सा, थोड़ा सा भी। अच्छा आप लोगों के स्कूल में बाल कटाने का क्या? भाई मेरे बाल, मैंने स्कूल वाले दौर में हमारी शर्तें लगती थी, मैट्रिक के जैसे एग्जाम आने लगते थे ना बोर्ड के एफएससी के, हम लोग छोड़ देते बाल अपने लंबे। नहीं स्कूल वो उस वक्त फ्री हो जाते थे ना? नहीं भाई फ्री तो हो जाते, मैं तो वैसे बता रहा हूँ रेस्ट्रिक्शन थी, मेरे बाल कटे हुए यूनिवर्सिटी स्कूल में। हाँ कटते थे, मैं बता रहा हूँ हमारे मेरे दौर से पहले एक टीचर होते थे, अल्लाह करे कि वो ना देख रहे हैं, वैसे मैं वो उन्होंने मुझे कभी पढ़ाया भी नहीं है, ये मेरे कजन के दौर की बात है। मतलब मैं जब वो एट्थ में थे मेरे कजन, मैं उस स्कूल में था, तो मैं वन में था, वो एट्थ में वन में था, उस वक्त होता था वो, उनसे उससे भी पहले ही होता था। हाँ हमारे कॉलेज में बाल का ये था कि बाल बड़े हैं तो टक लगेगा, टक लगेगा, जाके खुद ही लगेगा। हाँ टक लगा, इतना ढीप लगाएंगे कि आपको गंज लानी पड़ेगी, आपको मशीन दबानी पड़ेगी। हमारा सना जालिम ने तो हमें वो बिठा के अपनी मर्जी के बाल काट देते थे। अच्छा अपनी मर्जी, हमारे यहाँ था खचक 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 तीन चार जगह टक लगाया। नहीं नहीं हमारे नीचे नहीं। अच्छा तो वो एक टीचर होता था, अब नाम उसका कोई एग्जांपल हम कर लेते हैं कि अब्दुल्ला अब्दुल्ला नहीं है, मैं आपको नाम, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि नाम को ऐसा रखें कि ये बड़ी डेडली किस्म का बात है। जरार ठीक है। नहीं यार वो नाम जो है ना ऐसा है कि अहमद नहीं, फॉर एग्जांपल ये तो शाम नाम है, फॉर एग्जांपल अब दोनों को ए नाम रहते हैं, फॉर एग्जांपल ए था, लेट्स अज्यूम ये तो शाम, तो सर का नाम तो है शाम। अब उनको पता ही है, उन्होंने देखा ही है ये हुआ उनके साथ है, तो उनको पता ही है, तो है स्टोरी है। वो काटते थे बाल बहुत शदीद गंदे वाले नहीं थे तकरीबन
तो स्टाफ रूम के सामने दीवार भी प्लास्टर, ओहो, तो प्लास्टर था गीला, छुट्टी का वक्त है, छुट्टी होगी। अगली सुबह जो प्लास्टर पक्का हो गया तो जो स्टाफ रूम से बाहर निकले वो देखे कि उस पूरी दीवार पे लिखा है, किसी ने डंडी से गाड़ दिया, वो छप गया। हमारे कॉलेज का हजाम एहतशाम 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 कुत्ता प्लास्टर किया, तो वो टीचर जो थे वो ऐसे थे, तो इसलिए मैं कह रहा था कि नाम चले आप ले दिया, उन्होंने कौन सा देखना मेरे कौन से टीचर थे। अच्छा, वो मैं ला रहा हूँ, बात कंप्लीट करता हूँ। जब हमारा यूनिवर्सिटी से पास आउट हो रहे, कॉलेज से पास आउट हो रहे थे ना, तो फिर हमारा फिर वो लिखते हैं ना टीचर से भी लिखवाने गए सारे का सब कुछ, तो मैम से ना मैं असल में सॉरी करने गया था उनको, मैंने बहुत रुलाया था, स्पेशली मैं गया था उनके पास। मैंने कहा मैम वो जब आसा निकलता था ना मैं निकलता, तो मैम ने कहा मोइज़ मुझे पता है, मोइज़ तुम जैसे हो वैसे ही रहना, तुमने चेंज नहीं होना। वाह 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 वाह, मैंने कहा ठीक है। उन्होंने यहाँ पर साइन चेंज किया और आज तक आप वैसे ही हैं। हमारे टीचर थे इस्लामियात के ना, सर बासित नाम, मेरी अच्छी बहुत सलाम तो अभी तक मिलते जुलते हैं, कोई मसला मसाई नहीं उनके साथ हमारे। अब भाई बारिश हो रही थी ना, बारिश का माहौल था, फुल बादल चलता लाए हुए थे, डार्क हो जाता। हमारे जो क्लासरूम थी ना उसके साथ खिड़की भी लगती थी, तो डायरेक्ट रोशनी है हमारे पास। तो भाई हुआ ऐसा कि बारिश हो रही, क्लासरूम की लाइटें चली हुई थी। अब मैं और फजलू और पीछे एक लड़का उसामा कियानी नाम है ना उसका, हम पीछे बैठे हुए थे ना। अब मैंने और फजलू ने असल में ना सर खालिद ने उसने लाइटें बंद कर दी पीछे की ना। अब पीछे से लाइटों का कंट्रोल था, पीछे लाइटें बंद कर दी, सारा अंधेरा हो गया, फुल सामने का सर अंधेरा हो गया। उन्होंने लाइटें जलाई, हमारे पास आ गए डायरेक्ट। वो थे बहुत स्ट्रिक्ट और वो जिस तरह थप्पड़ मारते थे ना, मैं कहता हूँ रूह काम जाती। वो मेरे पास आगे खड़े हुए, मैंने कहा मोइस तुमने लाइट बंद की है? मैं कहा सर नहीं। फजल के पास गए, हसन तुमने लाइट बंद की है? हसन ने कहा नहीं सर उसामा ने की है। बता दिया। उसामा तुमने लाइट बंद की है? कहा नहीं सर सारे ने। दोनों को उसने पकड़ा, मैं कहा मोइस तुम जाओ। दोनों को पकड़ा, तुमने इधर उधर मुक्के ये वो यार। फिर हसन तुमने लाइट बंद की है? कहते नहीं सर हसन उसामा ने की है। किसने की थी? उसामा के पास। उसामा मुझे लग रहा है आपने की है। नहीं नहीं तुमने लाइट बंद की है। मुक्के लाते हैं। मैं आखिरी बार पूछूंगा, तुमने की है तो हाँ, नहीं की तो ना। हसन तुमने लाइट बंद की है? कहता सर नहीं। उसामा तुमने लाइट बंद की है? कहता हसन ने की। इसका हसन तुम जाओ, उसामा हो, तुमने ही लाइट बंद की। उसको मारा, इससे ज्यादा मतलब मेरे से ज्यादा मेरे कजन के वाक्यात हैं कि हम एक स्कूल में पढ़े हैं, तो एक दफा जो आगे बैठे होते हैं वो वैसे ही छीटे होते हैं, तो पीछे कुछ लड़का ना कुछ तुलसी खा रहा था कि पता नहीं रसीली आती थी वो छालिया का बॉम्बे। हाँ इस टाइप की चीज़ थी। मुझे कहने के छत देता। हमने एक लड़के का नाम भी बॉम्बे रखा हुआ था, हर वक्त खाता रहता वाली डार, उसका नाम है बिरत है, दोस्त है बड़ा। वो ये वो सप्लाई करता था पीछे बैठ के, वो ऐसे बैठा होता था देता था वलीद बॉम्बे नहीं बॉम्बे बॉम्बे देना पूरी, इसके बाद खत्म ही नहीं होती थी, पता नहीं कहाँ से निकालता था। अच्छा वो उसने कहा मुझे भी दो मुझे भी दो मुझे भी दो मुझे भी दो मुझे भी अच्छे देता हूँ। उसने आगे मुंह कर लिया, अब क्या भी थोड़ी देर में आ जाएगी। उसने तुलसी मीनार जो मुंह में कर दो उसको मैं खुल ही गया था। ये गिनी क्यों है?
एक मेरे कजन का दोस्त था, वो ना कहता हम लोग ना आगे बैठना शुरू हो गए, पढ़ते हम नहीं थे, हम सीटे नहीं थे, लेकिन हम आगे बैठना शुरू हो गए, हमने आगे जाके मिलनी शुरू कर दी थी। कह रहा मेरा कजन बैठा है, मेरे दो कजन ना एक साथ ही पढ़ते थे एक ही क्लास में, फिर हम दोनों बैठे हैं बीच में, वो बैठा है, उनका नाम नहीं लूंगा, मेरी बड़ी उनसे नाम है। जब वो टीचर आता है, टीचर आके ना सामने खड़ा होकर किताब पकड़ी पढ़ा रहे, कह रहा वो उसके नीचे होता था, कह रहा वो नीचे से गालियां देता था, साला आ जाता है इधर देख तो सही, करे मैं तुमको नहीं कहता यार, ना कर यार, ना कर, मैं ऐसे ही करता था, मैं भी तुम्हें कॉल करके बताता हूं, वो मारते थे यार, ना कर यार ना, और कभी नहीं पकड़ा गया वो बंदा, मैं भी नहीं पकड़ा गया। आगे बैठा था सर जहीर का क्लास होती है, दूर दूर पढ़ाते थे ना, मेरे साथ एक लड़का दानिश इकबाल वो बैठा होता था, मैं ऐसे बोलता रहता था क्या करेगा तू, इधर देखना था, वो लिटरली पीछे से मुझे कहेगा मुझे ना करना, पकड़ा वो थोड़ा थीटा था, मुझे ना करना पकड़ा, मैं कहा नहीं पकड़ा जाता था, बोलकर बैठा रहा। इसके बाद एक वाक्य, हमारे अरबी का उर्दू अभी स्कूल यूनिवर्सिटी के स्कूल में ही चल रही, हमारा अरबी का एक टीचर था, मुझे अपना नाम नहीं याद, मगर नाम उनको याद है, हम उनका ना पकौड़ा पकौड़ा कहते हैं। क्यों? अच्छा मैं 6th 7th 8th में अरबी लाजमी थे, अरबी हम पढ़ते थे ना, क्लास में आता था पकौड़े 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 यार, इतना नाइस बनता था ना, आज तक उसने कुछ नहीं किया, मतलब क्लास में कुछ भी करते रहो उसने कुछ भी नहीं किया। एक होता है जो टीचर, लेकिन एक जब उसका बंद खुलता है ना भाई, बंद उसका खुला, मेरे भी खुला कैसे खुला उसका, हम लोग रबर बैंड में पेपर वो फंसा के ऐसे ऐसे मार रहे थे ना, आपस में लगे हुए थे, अब वो फजलू ही था। उसने ना गलती से सर पे मार, सर को मार दिया, सर के टेंट पे जगह लगा जाके, यार उसने आज तक हमें तू करके भी नहीं बात की, गालियां दी उसने, उसने किताब बंद की, उसने चौक रखा नीचे, और जो उसने माँ बहन की गालियां दी, टू 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 टू, मैंने तुमको आज तक ऐसा नहीं किया, तुम मुझे मारा, तुम तुम्हारी तुम्हारी यार, अरे सर क्या हो गया, मेहरबानी करें। हम हमारा टीचर था उर्दू का, वो भी इसी तरह मौलवी था, कुछ भी नहीं कहता था यार, आप कुछ भी कर लेना, शोर कर लेना, कुछ नहीं कहता, मतलब हत्ता के एक दफा मैं वाकई सुनाता हूँ, मेरा एक दोस्त जर्मनी होता है, एमएस कर रहा है वो, दावर नाम है, तो क्लास में शोर हो रहा, जैसे आम रूटीन की बातें होती हैं शोर हो रहा, उसको पता नहीं क्या हुआ मेरे दोस्त को, अब जब शोर जरा ऊंचा होता है ना, तो उसमें समझ नहीं आती कौन क्या कह रहा है, शोर जरा ऊंचा होना, तो उसको पता नहीं क्या हुआ, वो कहता है केला केला चली वाला भी तुम क्या कर रहे हैं यार, कुछ भी नहीं कह रहा था, वो चीखे मार, उसको उस तब भी कुछ नहीं कहा। एक दिन सर पढ़ा रहा था, पता नहीं बेचारा घर से तब क्या आया होगा, क्या सीन था, मैं नाम नहीं लिया सर का, वो ना काउंटिंग लिख रहे थे, हम एट में थे, 7th 8th में थे, काउंटिंग लिख रहे थे ना, कोई चीज लिख रहे थे, उसमें ना बार बार उर्दू में काउंटिंग लिखे ये, तो मेरे दोस्त कहते सर दावर गई जी, सर वो क्या है, अब उसने जब इशारा किया कि सर ये वो आठ लिखा है, सर ये पहाड़ जैसे ही आठ है, उसने गाय मार कर वो आया है, उसने इतना मारा दावर को, देखो कह रहा दावर को क्यों मारा उसने, मैं कह तू कह रहा पहाड़ जैसा एट है, पागल है यार। मुझे बहुत वाक्य याद आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, सर यूनिवर्सिटी का दौर था जी, पहला सेमेस्टर था, पहले सेमेस्टर में हमारी टीचर इसी तरह डुला दिया था हमने उसको, बेचारी क्लास छोड़ के चली गई, लेकिन वो बहुत इंडस्ट्री कमाल, कमाल इंडस्ट्री में डुला दिया, छोड़ के क्लास छोड़ गई। अच्छा, लोग क्या करते हैं, खैर वो फिर उनसे बहुत माफी मांगा, बहुत बहुत नाइस बंदी है वो, फिर उन्होंने तीसरे सेमेस्टर में फिर पढ़ाया था, अच्छा सीन रहा था। तो हमारा एक ना ट्रेंड था दोस्तों का, हमारे ग्रुप का, असल में जब पहले सेमेस्टर था तो हमारे 3-4 ग्रुप बन गए थे, लेकिन बाय द एंड ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड ईयर के मिड में, सेकंड सेमेस्टर के मिड में हमारे 3-4 ग्रुप्स के जो सिर्फ लड़के लड़के थे ना, वो मिल गए थे और हमने एक ग्रुप बना लिया, तो हम 9 या 10 लड़के एक ग्रुप में हो गए पूरी क्लास, हमारा बैच भी छोटा था, तो हमारा एक असूल था दूसरे सेमेस्टर के बाद, हमारा कोई दोस्त नया बनता था ना, या कोई नया वैसे हमारे साथ बैठा है, तो आउट ऑफ ब्लू कोई एक कह देगा तेरे पास 5 मिनट है, पूरे कैंपस में कहीं भी भाग जा, जहाँ भी छुप जा, भाग, क्यों भाग जा, नहीं तुझे इधर जहाँ बैठा है इधर ही उल्टा करके तुझे मारेंगे, जहाँ बम पे ना चपेटे मारेंगे, सारे खेड़ियाँ मारेंगे,
अच्छा यार क्यों कर रहे हो, भाग जा, 5 मिनट है तेरे पास, जितना दूर भाग सकते भाग जा, 5 मिनट के बाद ये भागेगा, ये कौन, ये एथलीट रह चुका है अब्दुल्ला फिलहाल, ये बहुत तेज भागता, ये भागेगा बिलाल, और ये दोनों तुझे पकड़ लेंगे तो फराज आएगा मारेगा, मतलब ऐसे करके ऐसे ही शोकर मेले में कर, वो कहते यार क्यों भागूंगा, कहते भाग नहीं तो मारेंगे, तो फिर हम उनको पकाते थे, अरे वो भाग जाता था, हम वहां से प्रेम करते चल भाई भाग, वो भागते थे तो फिर मरे गिरा दिया, उसके बाद सारे आहिस्ता आहिस्ता पहुंचे हैं जिधर वो पड़ा है, जिधर बच्चियां हैं, जिधर बंदे हैं, उसको उल्टा किया हुआ टपक 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 सारा, एक दफा बेचारा तेरे साथ ही हुआ था, नहीं हम हमारा ही होता था कि अगर किसी दोस्त स्टे हुआ है तो वहां पे यार सब नहीं खाएंगे तुझे भी खानी पड़ेगी, तो करके उल्टा मार दिया, लेकिन भगाते नहीं थे, एक दफा एक दोस्त हमने कहा भाग जा, नहीं भागता मैं, मतलब यही मारेंगे भाग जो कहता चल सही है, अब वो ना भागा, उसने कहा यार भागूंगा तो पकड़ ही लेंगे, ये जाके ना एक बाथरूम में एडमिन ब्लॉक था ना, एडमिन ब्लॉक के बाथरूम में एक केबिन में जाके कुंडली जाके बैठ गया। अच्छा बता भी दो हम कौन से ट्रेन, हम कौन से ट्रेन दोनों, उसकी इस कदर बैड लक है कि जान ढूंढते ढूंढते पहले बाथरूम में पहले केबिन में खटखटाया ना वहां, वो था उनको खोल दिया, बाहर खड़े मुझे आ नहीं देंगे, उन्होंने खोल दिया चुपके बाहर लाए, उसे बाहर लाइब्रेरी के सामने लमक, एक यार एक वाक्य मुझे याद आ गया यार, ये मैं नहीं था इसमें, मेरा दोस्त था, मुझे इतना अच्छा वाक्य लगता है, हम टूट कर देंगे इसमें, मैं एक दोस्त है वो ना, दोस्त था हमारा, मैं क्योंकि मेरी डिग्री लेट थी तो जूनियर्स थे और उनसे भी बहुत दोस्तियाँ थी, मैं उनके साथ कोर्स पढ़ रहा था, अब वो ना एक रिलीजियस वगैरह, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो ना उनका बड़ा मानने वाला था, पॉलिटिक्स में भी रहे हैं वो, और तो उनका बहुत मानने वाला था वो, तो उसको एक दिन बुलाया, अब वो बहुत ज्यादा सेंटी भी हो जाता था कभी कभी, उससे इस तरह की बात, उसको बुलाया, उसे कहा यार तुझे ना झुंझुआ कहता था उसको, झुंझुए तुझे ना ख्वाब में देखा है, क्या क्या देखा यार, अच्छा ख्वाब नहीं था, क्या देखा तूने, यार मैंने देखा कि तेरी डेथ हो गई, अब वो बेचारा थोड़ा हुआ कि यार क्या कुछ नहीं होता, चल नहीं यार बात ये नहीं है, बात इससे बढ़ के है थोड़ी, यार क्या, हम ना तुझे अपने साथ गाड़ी में लेके जा रहे थे, करोला थी जी एल आई इसकी बासी की, तो तुझे लेके जा रहे थे उसमें, तो वहाँ एक्सीडेंट हुआ, और हमारा एक्सीडेंट हुआ, तेरी डेथ हो गई, गाड़ी भी बच गई, तेरी डेथ हो गई, क्या, तो हमें समझ नहीं आई कि हम क्या करें, तेरे घर कैसे बताएंगे, तो हमने जाके ना तुझे दफना दिया, तेरे घर नहीं बताया, कि तेरे घर वाले हमसे पूछ भी रहे थे, अब वो सुन रहे हैं फिर बैठा यार क्या है, कह रहे तो हमने कहा कि घर वालों को क्या बताएंगे, हमें दफना दिया, घर वाले पूछ भी रहे थे क्या हुआ, हमें बहुत गिल्ट हुआ, तो हम दोबारा जब गए कि यार हम तुझे निकाल लेते हैं, एक ही दिन तो गुजरा है, अपने कब्र को दुआई तो उसके कब्र के पास से रोशनी निकल रही थी, यार नूर निकल रहा, हमें गुर करूँ खासी खोद जल्दी से कब्र को, खैर हमने कब्र खोदी तो उसके अंदर से नूर और बढ़ गया, तो यार पता है क्या था, क्या कह रहे हो जी एल आई की बत्ती तेरी हमारे बस के भी बड़े वाकयात है, वो थोड़ा बाद में बताएंगे, बस एक दिन हम सेशन करेंगे इसमें, हमारे बस के लौंडे आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा मेरी यूनिवर्सिटी है ना बहुत बहुत शुक्र ले रही है, मैं आपको क्या क्या बताऊँ, हमारा एक सर होता था, पहले फर्स्ट सेमेस्टर मेरे ख्याल है हमें कैलकुलस पढ़ाई थी, उसका सर था मीटर खान, मीटर खान वो पागल वो मीटर हो जाता था, मीटर हो जाता था आ रहा, वो क्या कहते हैं कैंपस को संभालने वाला सीएस को, नुमान जो था हमारा कोऑर्डिनेटर, उससे बड़ी तब चढ़ती थी उसको, बगैर बताया अंदर आ जाता था, ओह यस बगैर बताया क्लास में आ जाता था नुमान, तो सर को बड़ी तब चढ़ती थी, सर हमें कहता था एक बार मेरा मीटर घूम गया ना उठा उठा के मारूंगा इसको, उठा के मारूंगा नवान को, हाँ नवान कोऑर्डिनेटर पे, हाँ कोऑर्डिनेटर पे तब चढ़ती, तुम लोग को पता नहीं है मैं इतनी तैयारी करके आता हूँ, ये बीच में ऐसे आ जाता, फिर थोड़ी देर बाद कहता एक बार मेरा मीटर घूम गया ना, इसलिए इसका नाम मीटर खान रखते थे। फर्स्ट सेमेस्टर में ये था, सेकेंड सेमेस्टर में हमें ना बल्कि थर्ड सेकेंड को छोड़ने इसका नहीं, सेकंड में भी एक स्टोरी है वो बताऊंगा अभी, पहले मैं सर का बता दूं, हमें वो पढ़ाता था मल्टी केयर, अब वो टीचर का मैं नाम नहीं लूंगा, बाकी मेरे दोस्त समझ जाएंगे सारे,
अब उस वक्त ना नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था माइक, जिस बोलते थे आवाज़ में गूंजती थी ना, माइक उन्होंने लगाया हुआ था। अब उस बेचारा मासूम सा टीचर था, उसको खांसी आई है, वो क्लास से बाहर गया, खांस रहा फुल, क्लास में आवाज़ें आ रही खांसी की। ये वही एक बार मेरे मीटर घूम गया ना, ये वही नहीं नहीं ये दूसरा बंदा, दूसरा टीचर है। तो वो खांस रहा फुल, तो क्लास में आवाज़ें आ रही, हम हंस रहे हैं क्लास में, एकदम से आया क्लास में, हम हंस रहे थे, तो कहता है ओ माइक बंद करना भूल गया है यार। वो पढ़ाता ही ऐसा था, हाँ बेटा एक्स है, एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू ये वो, समझ आ रही है ना? हाँ अच्छा, ऐसे करके वो पढ़ाता हूँ, चलो उसको मिस कराऊँ। नहीं नहीं ये पूरी पूरा वाक्य सुना देंगे नहीं नहीं मैं पहले बोला सुनाऊंगा फिर ये वाला सुनाऊंगा। भाई सेकंड सेमेस्टर की बात है, इलेक्ट्रॉनिक्स हमने पहले में पढ़ी थी या दूसरे में? हाँ नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स दूसरे में पढ़ी, पहले में हाँ ईसीए, हमें ईसीए पढ़ाया था डबल ई के टॉप टीचर ने, सर्किट एनालिसिस, और उससे बेहतर टीचर डबल ई के पास नहीं था, क्योंकि ये टीचर क्या नाम था, कौन टीचर पढ़ा, नाम नहीं आता, भुला हुआ नाम। अब उन्होंने हमें पढ़ाया, हम वी पास विद फ्लाइंग ग्रेड, तो बहुत क्या नंबर आए हमने, बहुत अच्छा सर को ये बहुत सारी चीज़ें। सेकंड सेमेस्टर आ गया, सेकंड सेमेस्टर में हमें टीचर टीचर मिला, नाम था उसका महमूद, चेंज किया ना वो, ये अब भाई वो टीचर हमें पढ़ा रहा है, टीचर जो है वो उसको और कोई काम नहीं था, वो जैसे को पढ़ाता था ना हमसे कोई सवाल अगर मिस हो जाए तो वो कहता था यार तुम्हारी ईसीए ठीक नहीं है, तुम्हें ईसीए पता नहीं किस फारिग टीचर ने पढ़ाई है, तुम्हें तुम लोग की ईसीए नहीं आती। भाई पहला जो पूरा सेशनल था ना उस, वो हमें क्लास में आता था, एक ही सर्किट ड्रॉ करता था, एक ही जगह कैपेसिटर लगाता था, एक ही जगह रजिस्टर लगा, और उसने पूरा एक सेशनल इसी में गुजारा। अच्छा ठीक है, पढ़ाना तो उसको आता नहीं था, वो टीचर जो था वो किसी और यूटी यूटी लाहौर से पढ़ा हुआ था। अच्छा। लौंडो लौंडो में, तो खैर ये भी मैंने पता लगा लिया तो उस बारे से आया था। अब उसको क्लास में ना वो गलत गलत बात कर जाता था। फॉर एग्जाम्पल हम क्लास बैठे, हम क्लास पढ़े तो कहता है एकदम से, मैं तुम लोगों को एक जोक सुनाऊँ अच्छा अब हमारा एक लड़कियों का पांच का एक ग्रुप होता था, अब उनका क्लास में कुछ पता नहीं होता तो कभी भी हंस देती थी कोई बंद, कोई क्लास टीचर पढ़ा रहा है वो मर रहा है उधर, वो रो रहा है वो हंस रहा है वो खेल रहा है, वो उनका अपना लक्ष्य, उनका लक्ष्य वो हंस दिया उन्होंने क्लास में, जैसे वो हंसी तो वो कहता है इन लोगों को देख के मुझे एक जोक याद आया, मैं तुम्हें जोक सुनाऊं, कहा यस सर क्या बात है सुनाए, कहता इसी तरह ही दो लड़कियां बैठी थी, दो लड़के बैठे थे, दोनों आपस में बातें कर रहे थे, दो लड़कियां आपस में बात कर रही थी, दो लड़कियां आपस में बात कर रहे थे, तो लड़के ने एक लड़के से पूछा यार वो लड़कियां आपस में क्या बातें करती होंगी, तो लड़के ने कहा यार जो मर्जी बातें कर, तू छोड़ तू अपना काम कर तू मेरे से बात कर। तो इसी तरह लड़की ने भी पूछा यार वो लड़के आपस में क्या बातें करते होंगे, तो दूसरी लड़की ने जवाब दिया जैसे हम लोग गंदी बातें करते हैं ना वो भी गंदी बातें करते हो। यार लड़कियां पागल नहीं, पागल होगी गुस्सा नहीं आया, सुन साटा सन्नाटा, गुस्सा नहीं आया, सुन सन्नाटा क्लास में। मेरा दोस्त है शेख अब्दुल कादर, मैं और ना आगे फ्रंट पे बैठे हुए, ये भी अभी पंच लाइन आएगी, नहीं 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 हाँ पंच लाइन यही सोच रहे क्या हुआ है, मैं उसको देखूं मैं सर को देखूं, अब सर की बिस्ती थोड़ी बजाने के लिए हमने हमने थोड़ा सा जैसा रहा पीछे देखिए क्या हो रहा है, ये गुजर गया, ये ऐसे ऐसे क्लास में एक